आज भी हजार साल के बाद भी उनकी बनाई हुई चीज को देख भी रहे हैं और उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। अभी थोड़ा आगे जाकर नहरी जुबैदा जो हद है वो शुरू हो रही है, नहरी जुबैदा आपके उल्टे हाथ लेफ्ट साइड में ये ट्रेन का पुल है जो के हज के दिनों में ट्रेन सर्विस चलती है मीना से लेकर अराफात, फिर अराफात से मुजदलफा और मीना तक हाजियों की सहूलत के लिए। तो अभी आगे मुजदलफा की जो हद है वो शुरू होगी और मुजदलफा वादी मुजदलफा की ये खसूसियत है कि इस मैदान में अल्लाह ताला हकूकुल इबाद माफ करता है। क्योंकि जब बंदा नौ ज़िलहिज्जतुल हराम को वकूफ के बाद यहाँ पर आता है और यहाँ आकर मगरब और इशा एक इकामत के साथ अदा करता है और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता है तो अल्लाह पाक बंदों को जो हक है ना जो हमसे हक तलबी हो जाती है अल्लाह वो माफ़ फरमाता है। ये वो मकाम है, ये वादी है और इस वादी में रात गुजारना, रात क़याम करना ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वादी में रात गुजारी और यहाँ से फिर दस ज़िलहिज्जतुल हराम